बिहार में कोरोना 40,000 के पास पहुंचने ही वाला है, अगले 2-3 दिनों में ये 50,000 भी पहुंच जाएगा। पर ये क्या देख रहे हैं आप सब? क्या कोरोना को बांस बल्लियों से कैद करने की कोशिश की जा रही है? प्रतिबंधित क्षेत्र मतलब कंटेनमेंट जोन, कंटेनमेंट जोन, कंटेन मतलब कंटेन करना, रहना, इस इलाके में कोरोना रहता है, कंटेनमेंट जोन में कोरोना रहता है, इसलिए ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। पर ये भीड़ भाड़ आप देख कर क्या कहेंगे? किस तरह का कंटेनमेंट जोन है? क्या इसे बनाने में भी गोलमाल होता है? बांस बल्लियों के तो खर्चे लगते हैं, वो भी क्यों लगते हैं? फ्लेक्स बनाने में भी पैसे लगे होंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र ही बनाना ही है तो बस महज एक घोषणा कर देना। इतने सारे दुकान लगे हैं प्रतिबंधित क्षेत्र के पास, लोग अंदर भी टहल रहे हैं, बाहर भी टहल रहे हैं, सामने दुकानें खुली हैं। आप करना क्या चाहते हैं? रोकथाम किस तरह से करना चाहते हैं पता नहीं। क्या इस बांस बल्लियों के अंदर कोरोना कैद हो गया? कोरोना को क्या इसी ढंग से आप मारेंगे या पकड़ेंगे? संक्रमण ऐसे ही रुकेगा? जनता तो लापरवाह है ही, क्या आप भी उतने ही लापरवाह नहीं हैं? वैसे आप क्या क्या करेंगे ये तो भगवान ही बताएगा। आप बाढ़ से बचाएंगे, कोरोना से बचाएंगे, चोरी से बचाएंगे, डकैती से बचाएंगे, अपहरण से बचाएंगे? आप आखिर कहेंगे हम क्या क्या करें? करती सब जनता ही है। कम से कम कंटेनमेंट जोन कोरोना से बीमारी के लड़ने का छलावा तो नहीं करें? कोरोना से तो आप लड़ नहीं पाए, कम से कम बाहर में तो आप दिखा दें कि आप कुछ कर सकते हैं सहायता। भूखे को 2 वक्त की रोटी तो दे दें, आशियाना तो नहीं दे सकते हैं? हर साल ऐसी बाढ़ आती है, ऐसा कोरोना आएगा ये नहीं मालूम था, पर ऐसी बाढ़ हर साल आती है। पर आपने इसके क्या-क्या इंतजाम कर रखे थे पता नहीं। अभी तो आपने बहाना है, कोरोना की बात भी बोल सकते हैं आप। वैसे आप तो दिखते ही नहीं हैं, कम से कम 2 शब्द तो आकर जनता के मनोबल बढ़ाने के लिए आप बोल सकते थे। पर आपको तो शायद चुनाव की पड़ी होगी, पर आपको शायद मालूम नहीं है, कोई वोट देने ना निकले पहले उनकी जान है, तब आपकी वोट है, तब आपकी सरकार है। अधिक से अधिक क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। वैसे भी हम घरों में बंद हैं, वैसे भी घरों में रहेंगे, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं तो खाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, न रोजगार है, सभी तरफ बेरोजगारी है, तो आपसे ज़्यादा उम्मीद रखने की क्या ज़रूरत है? वैसे सरकार ही ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, इतने खर्चे क्यों सरकार बनाने में? बस यूं ही मन में बात आ गई, मन की बात है हमारी, एक जनता की मन की बात है, बिहार के जनता के मन की बात, उनकी जुबानी है, 15 साल की कहानी भी है।